कब तक बनकर तैयार होगी यह सड़क? कब मिलेगा आम आदमियों को उनकी सुविधाओं का लाभ? नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं एचएचएस हरियाणा न्यूज। जिस सड़क को आप देख रहे हैं यह सड़क कस्बा फर्रुखनगर से आईएमटी मानेसर को जोड़ने वाली सड़क। यह अनदेखी व्यवस्था बन चुकी है दुर्घटना का कारण, जबकि रोड प्रोजेक्ट मैनेजर का यह कहना है कि हमारा टेंडर सितंबर 2024 का है, लेकिन अगर वन विभाग के अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी अपना काम समय पर कर दे तो यह प्रोजेक्ट हम एक महीने में ही फाइनल कर देंगे। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि हमें जैसे ही सूचना मिलती है पोल हटाने के लिए, हम तुरंत प्रभाव से अपना काम हाथों हाथ कर देते हैं। अब रह गई बात वन विभाग के अधिकारियों की, उनका कहना है कि यह काम धीमे धीमे ही होगा, इतना जल्दी काम नहीं होगा। आप देख रहे होंगे जगह जगह पर रोड के बीच में पेड़ खड़े हैं, जो कि दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। हालांकि जिस जगह का आप दृश्य देख रहे हैं वहां पर काफी वर्षों से हादसे पहले ही होते रहते हैं, काफी लोगों की यहां पर पहले ही मृत्यु हो चुकी है। जबकि इस विषय पर क्षेत्र के लोगों ने भी काफी बार आवाज उठाई कि रोड के बीच में पेड़ दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, लेकिन अभी तक आम जनता को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। आखिर किन व्यक्तियों का हाथ इन अधिकारियों के सर पर है, जो वह ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं कि जल्द काम नहीं होगा, काम काम के तरीके से ही होगा और जिस गति से काम किया जा रहा है वह हो रहा है। ऐसी खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।